हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी को। आज देखिएगा, मैं आपको 38x40 फीट में बना हुआ घर का वॉक थ्रू दिखाता हूँ। ये नाइट व्यू, मैं पिछले वीडियो में डे व्यू दिया था, आज की वीडियो में आपको नाइट व्यू देता हूँ। एलिवेशन की डिज़ाइन देखिएगा यहाँ पर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दो, कमेंट में बता दो घर का कलर कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है। इसमें देखिए, ज़्यादा हम ऐसा घिच घिच नहीं करें, समझे, जितना ज़रूरी है उतना। और एक चीज़, आप कोई तो सोच रहे होंगे लाइट बहुत ज़्यादा ओवर लाइटिंग हुआ, बोले तो आपको मैं बताता हूँ। देखिएगा दोस्त, अगर आपको चाहिए बोले तो रखिए, नहीं होना बोले तो बटन बंद कर दीजिए, ख़त्म। अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा काम पेंडिंग है, इधर और थोड़ा लाइटिंग आते हैं, समझो। लाइट ओवर दिख रहा है, मुझे भी मालूम है, बट इसको आप लोग कम कर सकते हैं। कैसा कम कर सकते हैं? बटन बंद करें तो ख़त्म, कमीज हो जाता ऑटोमेटिक। और लाइट के लिए लगभग लगभग 3 लाख रुपये खर्च हुआ है, लाइटिंग का, वायरिंग हो, लेबर चार्ज हो और सब। और एक चीज़, घर का जो वायरिंग का वर्क किया है इलेक्ट्रिशियन बबलू भाई, हमारे बीदर से बिलोंग करते हैं, और उनके ब्रदर अरशद भाई दो, और उनके हेल्पर्स वर्कर्स जो है उनके द्वारा जो है ना किया गया। इमरान और एक उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मोहम्मद आयान क्या, आयुब कुछ तो है, ठीक है। अब देखो एलिवेशन डिज़ाइन सामने की तरफ है ना, हम सिलेंडर लाइट नहीं डाले। ये सामने जो लाइट दिख रहे, देखो सिलेंडर का नहीं डाले, कहीं को बोले तो कभी भी ख़राब होता। नॉर्मल होल्डर बल्ब डाले, 9 वाट का ये बल्ब आता, 100 रुपये तक मिल जाता आपको, राउंड बल्ब गोले के जैसा। ये सामने की तरफ 2 एलिवेशन लाइट्स डाले, ये सिंपल एंड स्वीट में है। ये IP65, अगर एक बार ख़राब हो गए समझो ख़त्म, इसके बाद अब आप बाद में आप रिपेयर नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल रिपेयर करना। कहीं को बोले तो वहाँ तक कौन चढ़ाई करके रिपेयर कर सकता, ठीक है। मेरा जितना हो सके उतना घर का कलर जो है ना ऐसे सेम डिसेंट डिम में रखना बोल को मेरा ख्वाहिश है। तो फिर उसके बाद वहाँ पे 12 वाट का राउंड बल्ब है, वो आपको 400 रुपये तक मिलता है। ये बल्ब आपको ऑनलाइन से ले लियो, ऑफलाइन से ले लियो, 400 से 500 तक मिल जाता है। ये ऊपर के 100-100 रुपये में बल्ब मिलते हैं, नॉर्मल घर का होल्डर लगाए, सो है सीलिंग वाला होल्डर है। ये जो है इधर 2-वे लैम्प्स लगाएगा, वहाँ पर 4-वे लैम्प्स है, ये 2-वे लैम्प्स है यहाँ पर, ये भी लगभग आपको 100-400 तक मिल जाता है। और यहाँ पे भी लाइटिंग आता, यहाँ पे गेट लैम्प थे वो भी आता, इधर भी लाइटिंग आता थोड़ा बहुत कुछ। उधर ओवर आपको दिख रहा है 4 बोले तो 3-3 वाट का इनबिल्ट सीलिंग वाला लाइट है, और 24 वाट का एक बल्ब डाले, ये नाइट व्यू था। अब घर के अंदर चलते हैं, अब आप बता दो ये बाहर का व्यू इस तरह से है, घर के अंदर की तरफ मैं लेके चलता हूँ। और मेन गेट डालने के और खूबसूरत दिखाई देगा। एंड मैं भी चाहता हूँ यार, इस टाइप का घर का कॉपी पेस्ट आप लोग करो। इस घर का रिलेटेड में पूरा वीडियोस डाला हूँ, अब तक जो है ना 45 लाख के ऊपर चले गया। ये वाला 12 वाट का, ये 12 वाट का है, ये 24 वाट का है। और इधर भी होना बोले तो आप सिलेंडर के लाइट डाल सकते हैं, और खूबसूरत दिखाई देगा। सिलेंडर का ये 100 रुपये मिलते हैं ये बल्ब, सिलेंडर का जो है 400 से 500 रुपये भी मिलते हैं। उसमें रोज़ गोल्ड कलर का ले लो, अंदर की तरफ रोज़ गोल्ड है ना। और इधर जो है चाहे तो हैंगिंग लाइट्स ले सकते हैं आप लोग, इधर भी वो प्रोफाइल लाइट का सब ऑप्शन था, बट मेरे को डाउट लग रहा था वो ख़राब होता बोल को, इसलिए हम प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल नहीं करें। ये जो है मेन, ये कट्टा थोड़ा सा, थोड़ा कहीं को कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, इसको भी ज़रा कटिंग करके छोटा करना है, थोड़ा बहुत कुछ मनी वेस्टेज होता। अंदर की तरफ देखो ये पूरा बिग साइज़ हॉल, सामने की तरफ एंटर होते टीवी आ गया, टीवी यूनिट एरिया हो। इधर भी आप चाहे तो सिलेंडर की लाइट ले सकते हैं यहाँ पे, और इधर एक प्रोफाइल लाइट बनवा सकते हैं अपन, ये थोड़ा सा ऑप्शन है, देखेंगे क्या होता बोल को। प्रोफाइल लाइट बनाओ बोल को मैं बनाऊँगा, अभी थोड़ा काम है। घर के अंदर एंटर हो गए, ये आता आपका पूरा हॉल एरिया, और इधर हॉल में एंटर होते बिग साइज़ विंडो, उसके बाजू में 1-2 लाइट, उसके सेम उधर एक लाइट है, इधर एक लाइट है। ऊपर जो है ना 12 वाट के 3 सिलेंडर लाइट है, और 3 वाट के जो है ना इनबिल्ट सीलिंग में डीप बॉक्स में बैठने वाला लाइट है, वो 100 रुपये मिलता। और ये वाला 600 रुपये तक मिलने वाला, ये अगर किधर तो फ़ोटो फ्रेम लगाए समझो तो फ़ोटो के ऊपर गिरता, अच्छा खासा गिर जाता। फिर उसके बाद तो ये था, अब देखो घर के अंदर एंटर हो गए। होना बोले तो आप लोग नॉर्मल बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, समझो वाइट लाइट होना बोले तो वाइट लाइट, आपको ज़रूरी नहीं है बोले तो बंद कर दो, ख़त्म, मस्त रोशनी दिखाई देता। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम कलरफुल कलर लाइट ज़रा भी पसंद नहीं था मेरे को। और ये जो कलर कोड का ये सब मैं करेक्ट आपको बता देता हूँ, तो एक वीडियो बनाऊँगा। ये जो है वोक्सवैगन का 3000 रुपये में लिए सो है, 4 आए थे, ये ऐसा दिखते देखो गोला वाला, वो कैरिबियन निकल में और खूबसूरत दिखाई देगा। ये झूला आता है यहाँ पर, आप चाहे तो स्लीपिंग झूला भी लगा सकते या फिर स्विंगिंग झूला, छोटा वाला सिंगल पर्सन बैठने का झूला लगा सकते, छोटा वाला लगाने वाले हैं। और छिड़ी को जो है ना ये ऐसे जिग 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 पूरा चमकदार वाले लाइट डाले,
अच्छा इधर लाइट डाले और छिड़ी को देखिएगा, एक ही लाइट डाले यहाँ पर और उधर एक लाइट है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कलर कॉम्बिनेशन डिसेंट, खूबसूरत, बेस्ट। और अंदर भी देखो, ये जो 20 रुपये का लाइट डाल दिए, देखो कलर कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है। देखो ये बेडरूम में आता, मैं लेके जाता हूँ बेडरूम में बाद में, और डोर भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हॉल का बता दिया पूरा, ये डबल हाइट हॉल है, एक ब्रिज के जैसा बनाया अपन, यहाँ पर ये ब्रिज के जैसा हुआ। फिर उसके बाद सामने की तरफ पूजा रूम, पूजा रूम के जो छत रहता है देखो, उसके अंदर भी एक लाइट, ऊपर कुछ भी स्टोरेज नहीं है। एंड यहाँ पे भी आप चाहे तो सिलेंडर की लाइट डाल सकते हैं, बट उससे बेटर मेरे को ये अच्छा लगा, ये 4 वाट का है, ये भी 100 रुपये को, इसको स्ट्राइकर क्या क्या बोलते हैं इसको भी, ये 100 रुपये में मिलते हैं वाला लाइट। थोड़ा सा ऐसा, ये थोड़ा ऐसा रहता देखो, ठीक है, ये 100 रुपये में मिल जाता। इसके अंदर कितना चमकदार दिख रहा है ना किचन, ये पहले कलर मेरे कुछ पसंद नहीं आता, अब ठीक ठाक लग रहा, चल जाता बिल्कुल लग रहा है। एक 20 रुपये का बल्ब डाले, पूरा रंगीन हो गया, थोड़ा सा गर्मी होता। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बता दो, अगर टॉयलेट रूम है, किचन है, या फिर बेडरूम में, बेडरूम बनाते समय उसके बाजू में एक लाइट का पॉइंट दे दो, और एसी कर रहे बोले तो एसी के लिए अलग सा पॉइंट दे दो। ये 2 मॉडल का है, 16 एम्पियर का है, एक 6 इंच का पाइप डाल को छोड़ दो यार, जिसके अंदर आप डायरेक्ट घुसा सकते हैं एग्जिट फैन। ये एक नोट डाउन कर लीजिएगा, टॉयलेट रूम, बेडरूम या फिर किचन में होना बोले तो एक 6 इंच का पाइप डाल दिया। ऐसा मैं सिर्फ किचन में डाल दिया था, अगर हम बाथरूम में, बेडरूम में डाल दिए बोले तो कंटिन्यू एयर, जो भी ऑड फ्लो एयर रहता देखो, ऑड स्मेल एयर, वो बाहर चले जाता, कंटिन्यू एग्जिट फैन को काम करता समझो। ये हैवेल्स कंपनी का डाल दिए, जितने भी लाइट और ये सब लिए देखो, हम संगमेश्वर इलेक्ट्रिकल से लिए, देवगी कहते हैं संगमेश्वर, उधर से लिए। एक आता पेट्रोल पंप के अपोजिट गुम्पा रोड, बेलदाले पेट्रोल पंप के अपोजिट, दूसरा जो है उस्मानगंज में, उस्मानगंज में 2 फेमस है हमारे बिदर की तरफ से, वहाँ से जो है लिए, ठीक है। ये ऐसे भी एक 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 करके लिए, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, लगभग पाइप वो सब बोले तो भी लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ, आराम से हुआ। देखो लाइटिंग का पूरा A to Z पूरा पाइपलाइन आ गए, फिनोलेक्स हो, सुधाकर ब्रांड का हो, या फिर पॉलीकैब का हो, GM का हो, सब सब मिक्सअप, जो मर्जी आप वो लिए, वैसा कुछ में जो पट बोल को मिलता वो ले लिया समझो, सोचे नहीं ज़्यादातर। एंड ये किचन हो गया, अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। ये बेडरूम का दरवाज़ा ये वाला ऐसा करे, ये ज़्यादा फर्नीचर भी ज़्यादा नहीं, ऐसे घिच 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 घिच, कुछ लोग क्या करते हैं घर पूरा फर्नीचर से सजा को रखते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं था। तो एक सिंपल, इस क्लाइंट को सिंपल टाइप में बजट के हिसाब में आना बोल को लिए, ये वाला बेडरूम है, मस्त कंफर्टेबल बेडरूम है, ऐसा नहीं है कि छोटा है बोल को, हर जगह। ये थोड़ा मेरे को ज़्यादा लग रहा बोला था, इसको कैंसिल करके सीधा लफम दल को ख़त्म कर देना। और ये भी इधर कुछ तो थोड़ा बहुत कुछ चार्जर, कुछ तो चार्जिंग लगाना है तो लगा सकते हैं। इधर जो है वॉशिंग मशीन होना बोले तो 16 एम्पियर का दिए, इधर अंदर की तरफ एक ग्रीजर का है, ये इसका है, वहाँ पे भी एक सॉकेट दिया गया। और ये जितने भी रूम का बंद करना है बोले तो वहाँ पे चेक दिए बंद करने का। एंड शेल्फ है, सिंपल चीप एंड बेस्ट, कलर कोड 125 क्या क्या है, वो करेक्ट कलर कोड लो, 19-20 भी फर्क नहीं होना। मैं बोलता तो लास्ट को ये रेड बल्ब को ऐसा दिख रहा देखो, ये वाला कलर। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं घर अंदर की तरफ, दूसरे फ्लोर में चलते हैं ऊपर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर। ये किचन का पूरा फुल व्यू है देखो, नाइट व्यू फुल व्यू है किचन का। अब चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ, हर जगह होना बोले तो रखो, नहीं होना बोले तो बंद कर दो। ये एक वो इलेक्ट्रिशियन भी मुझे बोले थे कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो गया बोल रहे थे, सही बात है, हो रहे तो होने दो बोला मैं। ये ऊपर भी ये वाला लाइट मेरे को अच्छा लगा है देखो, ये ग्लास के अंदर हैंगिंग लाइट्स, ये फिर ऑर्डर किया बाहर की तरफ लगाने के लिए, हैंगिंग लाइट्स मस्त दिख रहे, जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये 100 रुपये में बल्ब मिलता है, और ये पूरा 3 एक साथ आते हैं फ्लिपकार्ट से, 849 रुपीज़ आज की रेट है देखो। यहाँ पे एक बल्ब लिया, ये 100 रुपये का है, और 2-वे बनाया, ऊपर से भी आता है यहाँ से भी आता है, ये देख लो, ये बंद हो गया, वो बंद हुआ, ये वाला बंद होना था कई को कि बंद नहीं हो रहा, थोड़ा कनेक्शन में कुछ तो गड़बड़ी दिख रही, ठीक है वो बाद में देख लेंगे। ये एक बेडरूम है, ये हॉल में देख लीजिएगा, सीलिंग नहीं बनाई देखो, प्लेन सीलिंग रखी है, तो 4 बल्ब दिख रहे देखो अंदर, यहाँ पे भी 4 बल्ब है, 3 वाट का डी बॉक्स। उधर जो है ना क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर लाइट, अंदर रोज गोल्ड है देखो,
नज़दीक से रोज़ गोल्ड वाला ले लो, अंदर ब्लैक है सो नक्को ले, देखो मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोगों को, रोज़ गोल्ड खूबसूरत दिख रहा। ये भी दो दरवाज़ा, सभी दरवाज़ा फर्नीचर में बनाए सो है, ये वाला ये भी मस्त रिच लुक दिख रहा, ये बल्ब। और एक चीज़ कहीं को क्यों ऊपर का नहीं आ रहा यार, आई थिंक वो ऊपर भी है देखो लाइटिंग। अब इधर का लाइट चालू करना बोले तो इतना ऊपर आना पड़ता, ये बड़ी मुश्किल हुआ सही में। ये एक रेड बल्ब दिया, ये देखो यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, ये रेड बल्ब देने से कितना ख़राब दिख रहा है देखो, ये किस रेड बल्ब दिए मेरे को पसंद नहीं था। ये वाले 100 रुपये में मिलते हैं, ये तिरेट वाला बल्ब है, ये होल्डर भी ऑनलाइन मिलता, मैं ऑफलाइन में ढूंढा नहीं मिला मेरे को तो ऑनलाइन ही मंगाया। 400 रुपये को 3 क्या 6 आए, या 100 रुपये में या 150, 100 रुपये में बल्ब मिलते हैं आपको, ऑनलाइन में क्या है 450 को 6 दे रहे समझो। इधर भी इनबिल्ट है ओके, ये पूरा ऊपर का इस तरह से दिख रहा देखो, वो 3 बल्ब ये 3 बल्ब। ये डे व्यू में एक वीडियो बनाया हूँ, ये वाला वीडियो जो है ना मैं नाइट व्यू में होना बिल्कुल बना रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं और एक बेडरूम में, यहाँ पर इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी लाइटिंग दिया था। तो ये कौन सा कलर कौन सा है बोलो, सभी जो लाइट है सभी वार्म वाइट का लाइट है ओके। इसका कनेक्शन कहाँ है यार, ये लाइट देखो, ये सिलेंडर का है, वो भी चालू है मगर यहाँ आने के बाद मालूम हो रहा। ये बिग साइज बेडरूम है ये वाला ओके। उधर एक 3 लाइट लगाए, ये 2 सिलेंडर के हैं, और आपको होना बोले तो और एक 3 लगा सकते हैं, इसको अभी बल्ब मंगाया हूँ लगाना बाकी है। और बाकी का अगर आपको ये वाला पसंद नहीं आ रहा ये लाइट बोले तो आप वाइट कलर का लाइट यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। एंड एक वाइट कलर को जो है ना ग्रे कलर को बहुत खूबसूरत दिखता है, ये रोज़ गोल्ड है, हैवेल्स में अडीवा सीरीज़ का है, ये चीप एंड बेस्ट, लगभग 40-45 हज़ार में घर का जो है ये स्विच बोर्ड और वो क्या बोलते हैं MCB वो सब हो गया समझो, 45 हज़ार तक हुआ इसका। ये 2 मंजिल है, 3 बेडरूम 2 मंजिल, ये बेड के बाजू में बनाया। और इधर भी देखो ये ऐसा ये क्या बोलते हैं, ये बाथरूम है ना, बाथरूम में भी ये 3 लाइट्स छोड़े, होना बोले तो इधर एक हैंगिंग लाइट्स भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, बट इधर एक सेंटर में जो है नॉर्मल लाइट दिए, एक होल्डर इधर है ग्रीजर पॉइंट, उधर एक देना था यार याद गया, वो फैन के लिए देना है, वो भी करेंगे अपन। और अंदर का पूरा कनेक्शन जो है ना यहाँ पर है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं बालकनी में, बिग साइज बालकनी, इधर जो है ना छोटा वाला बेडरूम विद अटैच लैट्रिन बाथ, इधर से जो है एक अच्छा खासा एक वुडन में ये आ जाता रेलिंग आता, ग्लास रेलिंग, और नीचे का नीचे भी व्यू देख सकते हैं। उधर जो है ना वाईफाई पॉइंट दिए, वहाँ से जो है सभी रूमों को आना बोल को वाईफाई पॉइंट। एंड इसका तो हर हमेशा काम रहता बोल को, एक राउंड पाइप छोड़े दिए थे, वहाँ पे भी राउंड पाइप दिए थे, ये वाला बहुत कम लोग करते। ये देखो ये लाइट कैसा दिख रहा, ये 3 लाइट, ये 2-वे है, ये टच, ये जो है ऑन करना बोले तो ऊपर आपको ऑन करना पड़ता। बालकोनी में जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को, और ये पूरा जितना भी ये सब का बंद करना है बोलो। अब इमरजेंसी में हम पूरा MCB बॉक्स में तो नहीं, वो हाथ नहीं जाता ना, स्टूल ले को बंद करना पड़ता। अब देखो सभी लाइटों को बंद करना है बोले तो ये लीशा कंपनी के लिए जो मिले वो लिया, देखो पूरे बंद हो गए, यहाँ जितना भी पोर्शन है देखो सभी पोर्शन बंद हो गया, कई को यही रीज़न से सेफ्टी पर्पज़ से। ये अब चालू करें बोले तो पूरे चालू हो गए, ऐसा है ठीक है। ये याद से कर लियो यार, इमरजेंसी में ज़रूरी है देखो, नीचे रहना, बाद में फोड़ को करवाया, नीचे भी वैसे करवाया, बाद में फोड़ को करवाया मैं। एंड ये वाला हैंगिंग लाइट्स 1, 2, 3 ये भी आपको मिल जाता कम ज़्यादा रेट में, और कैरी बैग लगाया हुआ तो ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं आ रहा, डिम मीडियम में है देखो। ये भी ये क्या बोलते हैं सिलेंडर के लाइट है, सिलेंडर का लाइट है, और वो जो है इनबिल्ट लाइट्स, बहुत सारे चिंटियाँ हो गए इधर। ये बालकोनी में आप इसको होम थिएटर कुछ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, होम थिएटर बनाओ कुछ भी बनाओ आपकी मर्जी, पूरा ग्लास डाल देके, या फिर आपको कुछ तो स्टूडियो बनाना है, आप कुछ तो वर्क करते हैं ऑनलाइन वर्क, यहाँ बैठ को सुकून से कर सकते हैं, एसी लगा के है ना।
या और थोड़ा बड़ा भी हो सकता था, बट डिज़ाइन आना बिल्कुल थोड़ा छोटा कर दिया समझो, 1 फीट कम कर दिया। नहीं तो इसको थोड़ा और थोड़ा आगे लिए तो भी आता था और बड़ा होता था समझो। और इधर से उधर जाना, वो बालकनी को जाने के लिए एक रास्ता दिया, मतलब वो एक रूम एक रूम, मतलब 2 रूम होते हैं एक पर्सन को, उस टाइप में भी दिया समझो। ये नाइट व्यू है घर, नाइट व्यू इसीलिए दिखा रहा हूँ, कलर कॉम्बिनेशन आइडिया आपको मिलना बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ। डे व्यू भी दिखाया और नाइट व्यू भी दिखाया, और इतने सारे बल्बों से ठीक ठाक ही लग रहा। और ये एक छोटा सा रूम है, छोटा बोले तो भी 10x10 का है समझो, 10x12 का है ऑलमोस्ट। ये डुप्लेक्स हाउस, मेहनत तो बहुत लगी यार। और ऊपर स्टोरेज के लिए जगह है। हाँ, इसको भी ये वुडन यूज़ कर लिया, देखो वुडन कलर में।